भाई सारे भैया को राम राम। भाई बहुत ही दुख की घड़ी है, बहुत ही दुख भरी सूचना है भाई। कल एक ऐसी सूचना मिली, आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता लग भी गई होगी और कुछ लोगों को नहीं भी लगी होगी, कि एक ट्रैक्टर जगत और यूट्यूब जगत का ऐसा चमकता सितारा भाई निशु देशवाल हमारे बीच में नहीं रहे। भाई कल ये खबर मिल गई थी, मैसेज वीडियोज़ के माध्यम से बहुत ज़्यादा वायरल हो भी रही है, पर यकीन नहीं हो रहा था और अंदर से हिम्मत नहीं आ रही थी कि हाँ भाई कि किसी को बताया जाए, या फिर मतलब खुद को यकीन नहीं हो रहा था और वीडियो बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो आज थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई पूरी क्या घटना थी, एक बार बता दो क्या सीन है, सच है झूठ है क्या है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं कि हाँ भाई ये सच है, भाई निशु देशवाल नहीं रहे। भाई अपना 855 लेके वो पहले दिन गए थे यमुना पे, 3-4 ट्रैक्टर थे अपने, वो डागर भाई वाला और अपना इसका मलिक का भाई का जो इंडियर 50-50D, इनसे इन्होंने अपना वीडियोस बनाई, स्टंट लगाए और टोचन करी यमुना क्रॉस कर रहे थे। कोई नहीं, फिर अगले दिन ये टोचन टूर्नामेंट टम गए, वहाँ से आने के बाद शायद वो फिर वहाँ पर गए दोबारा, और वहाँ पर जब ये वीडियो बनाते हुए भी एक क्लिप आई थी कि वो स्टंट कर रहे थे। पर स्टंट में हुआ क्या भाई, ड्राइवर ऐसा था कि शायद यूट्यूब जगत में या ट्रैक्टर जगत में नहीं देखने को मिल रहा किसी को, पर लोहा माड़ा निकल गया भाई, पूरे मडगार्ड पट गए भाई। आप देखोगे वीडियो को तो देख कर पता लग जाएगा कि ऐसा ट्रैक्टर नहीं पलटता। तो भाई यू पाइप टूट गया और अपना भाई उसके बीच में ही दब गया, तो ऑन द स्पॉट मौके पर ही भाई की डेथ होगी। और आप वीडियोज़ क्लिप में लगा रहा हूँ, क्लिप्स देख लो तो भाई समझ में आ जाएगी आपको पूरी घटना। भाई इस क्षति की कोई भी कंपैरिजन नहीं, कहीं से भी ये क्षति पूरी नहीं हो सकती। भाई फैमिली का बुरा हाल है और भाई अपना भी दिमाग मतलब कहीं टिक ही नहीं रहा जब से ये खबर सुनी है। तो भाई प्रे करो भगवान उसके आत्मा को शांति दे, ओम शांति, भाई रेस्ट इन पीस। भाई जितने भी हो प्रे करो सब लोग, भाई जाना सबको है, पर जो ऐसे दर्द में जाए ना भाई नहीं देखा जा सकता। और भाई अभी 1 साल ही शादी को हुआ है और अभी एक मुश्किल से 2-3 महीने का भाई का लड़का है, बच्चा है, बहुत दुख की घड़ी है भाई। और बहुत बड़ी यूट्यूब जगत में बहुत बड़ी कमी है, तो सभी भाइयों से अपील करूँगा कि भाई भगवान से प्रार्थना करें उस भाई के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आप ही क्लिप देख लो, आपको पता लग जाएगा सारी क्या घटना थी एक्चुअल में। तो भाई इससे ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन थी कि भाई वो यू पाइप टूटने की वजह से हुआ हादसा, बस वो नहीं है जी कुछ भी।